पर ना खाप पर, वोट मोदी के नाम पर। हरियाणा में कमर, इंडिया गठबंधन में कलह। सब मोदी के साथ, अकेला रह गया हार। तो सब मोदी के साथ और अकेला रह गया हार। कांग्रेस को झटका हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद से लगाए और अब धीरे धीरे विरोधी तो निशाना साध ही रहे हैं। जो अपने थे, जो सहयोगी थे, वो भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा में नई सरकार के गठन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का बयान, दशहरे के बाद होगी विधायक दल की बैठक। दशहरे के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। 3 में से 2 निर्दलीय विधायक हमारे साथ आए, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, जिन्होंने जानकारी दी है कि जो शपथ होना है वो अब दशहरे के बाद होगा, और इसी के साथ अब 3 में से 2 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ आ गए। अभी इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हमें नहीं मिला है। संभावनाएं हैं कि हो सकता है, त्योहार का दिन है अभी, और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो जैसा भी डेट हमें मिलेगी हम बताएंगे। 2 विधायक, एक गन्नौर से देवेंद्र कादयान जी, राजेश जून जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस 2 विधायकों की बढ़ोतरी पर मैं दोनों विधायकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में हैं और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं जब मुलाकात हुई है। ये महत्वपूर्ण मुलाकात, हरियाणा में जीत के बाद, हैट्रिक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है, और उस वक्त की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने जब ये मुलाकात हुई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा में बंपर जीत, जीत की हैट्रिक लगाने के बाद इसका जश्न जिस तरह से कल से ही बीजेपी में मनाया जा रहा है, आज नायब सिंह सैनी जब दिल्ली में थे उस दौरान उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है, रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ नीरज पांडे जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से विशाल मेरे साथ हैं, और इसी के साथ हमारे साथ जैनेन्द्र भी हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपका रुख करते हुए, क्योंकि तस्वीरें बेहद खास अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जीत के बाद नायब सिंह सैनी दिल्ली में और लगातार मिल रहे हैं, गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल सरीन, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बार किसी पार्टी की लगातार हरियाणा में सरकार बनी हो, और सरकार भी ऐसे वैसे नहीं। आप पिछली चुनाव में आप देखें, जब दूसरी बार तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी, 40 सीटों में रह गई थी, लेकिन इस बार 8 सीटें सरप्लस की, और यही नहीं 12% का वोट बैंक भी स्विंग हुआ। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 महीने पहले यानी कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नायब सिंह सैनी, और महज 6 महीने में वो उनके चेहरे पर सरकार वापस आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कई लिहाज से ये सरकार बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण कि आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनको शुभकामनाएं दी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की, और राजनाथ सिंह कई लोगों से मुलाकात, और अभी भी उनका मुलाकात का दौर जारी है। शाम तक कई और नेताओं से उनकी ये मुलाकात होगी, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ उनकी जीत नहीं हुई बल्कि सभी पॉलिटिकल पंडितों की हार भी हुई, जो लगातार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ गायब हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन भाजपा ने ना सिर्फ अपने संगठन, अपनी माइक्रो मैनेजमेंट और सरकार की योजनाओं के दम पर तीसरी बार सरकार बनाई है, बल्कि बंपर जीत दर्ज की है। बिल्कुल, और वो नतीजों में साफ उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला, जो बातें कर रही थी बीजेपी, जिस तरह के दावे कर रही थी, और जो माइक्रो मैनेजमेंट था उसका असर भी नतीजों में दिखाई दिया है। आप रहेगा नीरज हमारे साथ। देखिए, हरियाणा के जो 2 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया है, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। हो गए थे बीजेपी से छोड़कर चले गए, अब घर वापसी है।
हमारी कुछ 25-30 दिन की खट्टी मीठी यादें हैं और मैं समझता हूं लंबे चौड़े टाइम बीजेपी पार्टी में रहा हूं और गन्नौर हलके की जनता की डिमांड थी पिछले बार भी 2019 में और मुझे अपने जनता के साथ जाना था और इसलिए उनके दबाव में चुनाव लड़ा और उन्होंने दिखा भी दिया जिस तरीके से पूरे सोनीपत जिले में मैं सबसे ज़्यादा अंतर से मैं जीत के आया हूँ। राजेश जी आप क्या कहेंगे बीजेपी में को समर्थन देने का क्या कारण? बीजेपी पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की टीम को पसंद करते हुए अपने हलके के विकास के लिए बहादुर हलके के विकास के लिए जो लोगों ने ना तो मेरे को कांग्रेसियों ने वोट दिया ना मेरे को बीजेपी वालों ने दिया, मेरे अपने साथियों ने मुझे वोट दिया है। हम अपना काम करवाना चाहते हैं और मेहनत से जो भी बीजेपी पार्टी की पॉलिसी मुझे पसंद है, बीजेपी पार्टी की कोई शर्त रखी है या है वो आम जन तक जाती है। शर्त रखी है विकास हलके का। देखिए हरियाणा में बीजेपी ने जो बड़ी जीत हासिल की है उसकी पटकथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी थी, कैसे वो भी जरा आप समझ लीजिए। आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। देखिए 26 सितंबर को पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद किया था। हरियाणा के 4000 शक्ति केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े थे और उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि जो बूथ जीतता है वही चुनाव जीतता है और यही मंत्र उन्होंने दिया। ये मंत्र पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं को दिया और साथ ही कांग्रेस के झूठ का करारा जवाब देने के साथ ही पार्टी की नीतियां और सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की थी। पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं से उनके समर्पण और उनकी मेहनत की भी तारीफ की। पीएम ने इसी संवाद के जरिए हरियाणा के बूथ कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया जिसका नतीजा इन चुनाव नतीजों में सामने आया। तो हरियाणा में जीत की पटकथा और जिस तरीके से पूरा श्रेय बीजेपी ने हरियाणा की जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, खुद नायब सिंह सैनी जिन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास से हो पाई है और उसकी पटकथा कैसे प्रधानमंत्री ने लिखी आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए हार के बाद हरियाणा में कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। शैलजा के समर्थक नेताओं ने हुड्डा को हार का जिम्मेदार बताया है। बाप बेटे की वजह से कांग्रेस हारी ये शमशेर सिंह गोगी का कहना है। अंबाला कैंट से उम्मीदवार परविंदर सिंह ने भी सवाल इस पर खड़े कर दिए हैं। कुमारी शैलजा को पीछे किया इसीलिए हारी कांग्रेस, परविंदर सिंह का ये कहना है। तो अब देखिए एक दूसरे पर इस हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और कैसे अब इन बयानों के जरिए वो दिखाई भी दे रहा है क्योंकि शैलजा हालांकि वो चुनाव के दौरान ही किस तरह से उनकी नाराजगी किस तरह से दूरी उनकी कई मंचों से दिखाई दे रही थी लेकिन अब जब हार का सामना कांग्रेस ने किया तो इसका ठीकरा भी इसी को लेकर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के असंध सीट से उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शमशेर जी, हार की कई वजहें बताई जा रही हैं कांग्रेस की, आप क्या देखते हैं कौन सी बड़ी वजह रहेगी कांग्रेस इतनी जैसा आंकलन था वैसा आंकलन में खरी नहीं उतर? सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन की कमांड कांग्रेस के हाथ में नहीं थी, व्यक्ति विशेष या एक परिवार के हाथ में थी। भूपेंद्र हुड्डा की बात कर, हाँ बापू बेटे की कर रहा हूँ, कोई छिपके बात नहीं करता मैं। तो उसकी वजह से लोगों को लगा भाई ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो 36 बरादरी की पार्टी है। तो जब वो 36 बरादरी वहाँ नज़र नहीं आई तो पोलराइजेशन होगी, तो पोलराइजेशन सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ये आपको लगता है कि वजह ये रही कि हुड्डा कैंप शैलजा कैंप की जो लड़ाइयाँ रही हैं उसका असर पड़ा है, आप ये कह रहे हैं कि कारण होगा, जरूर होगा। सुना आपने किस तरीके से यहां पर शमशेर सिंह गोगी जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब ही बदल गया था हरियाणा में जिसकी वजह से वहां वोटर्स को भरोसा नहीं हो पाया। इस पर बात करने के लिए अब जैनेन्द्र का सीधे रुख करते हैं। जैनेन्द्र, अब हार का ठीकरा फोड़ने की बारी और वही कांग्रेस में हो रहा है कि एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई जा रही है।
बिल्कुल, और इसी एकजुटता की कमी की वजह से चुनाव हारे और हार के बाद भी जो वो अंदर की का झगड़ा है वो खुलकर के सामने आ रहा है। ये जो आपने बयान सुनवाया, असंध सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे शैलजा गुट के, ये माने जाते हैं, और आज दिल्ली पहुंचे थे कुमारी शैलजा से मिलने के लिए, और इसके बाद इन्होंने जमकर भड़ास निकाली है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। अहम बात एक ये है कि इनके लिए प्रचार करने राहुल गांधी पहुंचे थे, जो हरियाणा में राहुल गांधी की पहली रैली थी, और जिस मंच पर एक काफी वक्त के बाद कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ नजर आए थे राहुल गांधी की रैली में, और उस उम्मीदवार की तरफ से इस तरीके से हमला बोला जा रहा है हुड्डा परिवार पर, हुड्डा पर, तो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरीके का झगड़ा है, और इसी झगड़े की को सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कांग्रेस की हार की, और अब ये झगड़ा और बढ़ने वाला है। ये साफ तौर पर जो शैलजा के गुट के उम्मीदवार थे जो चुनाव हार गए उनकी बातों से पता चलता है। अब मुश्किल कांग्रेस लीडरशिप की है, जीतता हुआ चुनाव तो हार ही गए, अब हारे हुए राज्य में नेताओं को एकजुट कैसे रखेंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। देखना यही है कि किस तरीके से इसका हल जो है वो कांग्रेस लीडरशिप ढूंढती है, और इसका हल ना चुनावों से पहले ढूंढा जा सका और अब हार के बाद किस तरह से हल निकाला जाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जैनेन्द्र आप रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए, हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आज कुलदीप बिश्नोई का दर्द आंखों से छलक पड़ा। बेटे की हार के बाद कुलदीप बिश्नोई रो पड़े, उस वक्त की तस्वीर। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जिन्हें हार मिली है चुनावों में, वो अपनी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद कुलदीप बिश्नोई आज रो पड़े। इस पर बात करने के लिए नीरज आपका रुख करते हैं, क्योंकि साफ समझा जा सकता है कि उम्मीद थी कि बेटा जीत हासिल करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और वही शायद आज कुलदीप बिश्नोई इसी वजह से रो पड़े। तस्वीरें वैसी हैं। देखिए, भजन लाल हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम था, भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उनकी ये तीसरी पीढ़ी है भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई उनके पुत्र थे, वो सांसद रहे, विधायक रहे उसी आदमपुर सीट से, और अब कुलदीप बिश्नोई के बाद उन्होंने अपने बेटे को पिछली बार उपचुनाव में विधायक बनाया, अब ये फिर से चुनाव मैदान में उन्होंने उतारा था भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन ये चुनाव भव्य जीत नहीं पाए, तो निश्चित रूप में उनका दर्द झलक कर सामने आया अपने कार्यकर्ताओं के, कि जिस सीट से तीन पीढ़ी से लगातार उनकी उनके परिवार की सीट थी वो जीतते चले आ रहे थे, आज भव्य बिश्नोई उसी सीट से चुनाव हार गए। अपने लोगों के बीच में यही दर्द उनका सामने आया कि कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल परिवार जो एक बहुत बड़ा परिवार माना जाता था राजनीति में, उनका एक बहुत बड़ा कद था हरियाणा की राजनीति में, और कहा जाता था गैर जाट राजनीति की जो शुरुआत की वो भजन लाल ने की, तो ऐसे नेता के की तीसरी पीढ़ी उसी सीट से चुनाव हार जाए, अपने आप में सेटबैक तो है ही उस परिवार के लिए, और मुझे लगता है यही दर्द कुलदीप बिश्नोई के चेहरे पर और आंखों के जरिए दिखाई पड़ा सामने। जी श्री, चलिए देखिए, हरियाणा चुनाव में हार जिस तरह से कांग्रेस की हुई है, उसके बाद अब ओवैसी ने भी इस पर निशाना साधा, क्योंकि कांग्रेस इस हार के बाद चौतरफा घिर गई है। यहां विरोधी तो घेर ही रहे हैं, सहयोगी भी घेर रहे हैं, और ओवैसी ने भी इस पर निशाना साधा है, कहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से फायदा बीजेपी को पहुंच गया, सत्ता विरोधी लहर का फायदा नहीं उठा पाई कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस के लिए सबसे आसान है, इसे लेकर भी ओवैसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया और कहा कि सत्ता विरोधी लहर थी हरियाणा में, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इसका कोई फायदा नहीं उठा पाई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, कांग्रेस को बिना बताए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, सूत्र ऐसी जानकारी बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में बात हो रही थी, कांग्रेस को 2 सीट ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 2 सीटों पर जो बात चल रही थी उसी बीच
छह सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं कांग्रेस को बिना बताए उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है तो उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में बात हो ही रही थी, दो सीट ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी, लेकिन इसी बीच छह सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, आपको बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो उतारे गए हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते करहल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं तेज प्रताप यादव, करहल सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनावों में। नसीम सोलंकी को सीसामऊ से उम्मीदवार बनाया, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है और सीसामऊ से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरा नाम अजीत प्रसाद का है, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और मिल्कीपुर से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, यानी ये हार का असर तो नहीं है कि बात हो रही थी और दो सीट देना भी चाहती थी लेकिन इसी भी छह सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए? देखिए शरीन, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी और जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई तो इसे कह सकते हैं मौके का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं और इस बात की जानकारी मिल रही है। 2 और सीटों पर सपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द कर सकती है और 2 सीटें ही सिर्फ कांग्रेस के लिए छोड़ने पर विचार समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 विधानसभा सीटों पर वो अपनी दावेदारी कर रही है जहां पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति यूपी की सियासत की दिख रही है उसके मुताबिक यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के आगे झुकना नहीं चाहती है और अगर 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांगती है तो शायद उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की राहें अलग हो सकती हैं। इस पर जैनेन्द्र आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि अब कांग्रेस इस हार के बाद तो चौतरफा गिर गई है। कल महाराष्ट्र से भी आवाज आई कि अकेले जब भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस हार जाती है। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां ही हो रही हैं लेकिन इसी बीच 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दी और खबर यह भी मिल रही है जैसा विशाल भी बता रहे हैं कि अभी इसमें कांग्रेस को जानकारी नहीं दी गई। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उन्होंने बताया कि हमारी तो बातचीत चल रही थी उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के और कांग्रेस अपनी तरफ से 4 सीटों पर दावा कर रही थी। हालांकि शुरू से ही हमारे सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का ऑफर शुरू से ही 2 सीटों का ही है। वो 2 सीटें हैं, एक गाजियाबाद की और एक खैर सीट है अलीगढ़ की। इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती, हालांकि कांग्रेस की नज़रें 4 सीटों पर थी। कांग्रेस हैरान ये है कि अभी तो बातचीत चल ही रही थी, उपचुनाव का भी ऐलान भी नहीं हुआ है और उसके पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस हैरान है और नाराज भी है। हालांकि जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते कि समाजवादी पार्टी के दबाव में आना है, 2 ही सीटों पे लड़ना है या फिर सभी सीटों पर अपनी ताकत दिखानी है। ये लीडरशिप के स्तर पर होगा और फिलहाल इसको लेके इस तस्वीर साफ नहीं है कि क्या कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी लेकिन आगे क्या होगा इस पर आप नजर रखिएगा। इसी बीच जैनेन्द्र, एक बड़ी जानकारी भी दे दूं दर्शकों को। समाजवादी पार्टी के नेता है माता प्रसाद पांडे, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लड़ने की बात है तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम आशा करते हैं हम सभी सीटों पर जहां लड़ेंगे सब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। भले ही माता प्रसाद पांडे यहाँ पर कह रहे हो कि सब मिलकर लड़ेंगे, किसी तरह की कोई कड़वाहट एक तरीके से वो नकार रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस हार का असर और किस किस तरीके से आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और महाराष्ट्र में आज एमवीए की बैठक, मुंबई में एमवीए के बड़े नेता जुटे हैं, सीट शेयरिंग, विधानसभा चुनाव की रणनीति कैसी हो इस पर चर्चा की जा रही है। नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार बैठक में शामिल हैं। उद्धव गुट से अनिल देसाई, संजय राउत इस बैठक में मौजूद हैं। शरद गुट से अनिल देशमुख, जयंत पाटिल भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव की। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष जारी है, वार पलटवार हो रहा है और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि इसराइल पर हिजबुल्ला ने फिर से रॉकेट दागे हैं। हाइफा में लेबनान की ओर से रॉकेट हमला, एक बिल्डिंग को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इस वक्त यह बड़ी खबर, हाइफा में हमला हुआ है, लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया, एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। तो हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल पर अटैक किया है।
और इस बार हाइफा में लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि इस रॉकेट से एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। तो बड़ी खबर है, इस संघर्ष से जुड़ी हुई वार पलटवार दोनों ही तरफ से हो रहे हैं और हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल पर अटैक किया है। 24 घंटे में लेबनान में 36 की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा घायल। ग्राउंड पर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रॉकेट अटैक एक बार फिर से हिजबुल्ला की तरफ से, लगातार इसराइल हिजबुल्ला के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके कई कमांडर्स, उसके चीफ को मार गिराया गया और उसके बाद यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। और जंग के हालात हैं, जंग के बीच इसराइल का बड़ा दावा, हमास और हिजबुल्ला के 230 ठिकानों को तबाह करने का दावा IDF ने किया है। 24 घंटे के भीतर हिजबुल्ला के कई कमांडर्स मारे गए, हिजबुल्ला के 185 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। लेबनान के बाद सीरिया पर हमले तेज, गाजा में हमास के 45 ठिकानों को तबाह किया गया। तो कुल मिलाकर 230 ठिकाने तबाह कर दिए हैं हिजबुल्ला के, इसराइल का यह बड़ा दावा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। लेबनान से हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, एक और बड़ा दावा IDF का, हमास और हिजबुल्ला के 230 ठिकानों को तबाह करने का। मुझे तो ये लगता है कि इससे भी ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि जितने दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 10 दिन हो चुके हैं, रोज रात को 30 से 50 जगह स्ट्राइक किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले माउंट लेबनन के इलाके में एक मिसाइल से हमला किया है इसराइल ने और वहाँ पर 7 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कहते हैं कि एक हिजबुल्ला के पक्ष में गाने वाले सिंगर को भी हिजबुल्ला की तरफ से ज़्यादा उनका पक्ष रखने के लिए इसराइल ने निशाना बनाया है। लेकिन हालात इस वक्त बेरूत और उसके आसपास के इलाकों पर बिगड़ रहे हैं। हिजबुल्ला घबराहट में है, हिजबुल्ला स्ट्रेस में है। वजह एक ये है कि उसके सभी टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया है और जो भी एक दो कमांडर बाकी बचे हुए हैं उनको इसराइल ढूंढ रहा है। दूसरी बात ये है कि दाहिये इलाका जो हेडक्वार्टर माना जाता है, वहां पर अनगिनत ड्रोन अटैक किए जाते हैं। आज सुबह भी मैं उस इलाके से होकर आया हूँ, जगह जगह बिल्डिंगें गाजा की तरह नज़र आने लगी हैं और मुझे लगता है कि अगले एक महीने में बेरूत का ये सेंट्रल का इलाका पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस डर को देखते हुए ही ज़्यादातर फ्लाइट जो कि बेरूत आ रही थी या यहाँ से जाने वाली थी, या तो वो देरी से चल रही हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं, यानी एयर कनेक्टिविटी घटी है। क्योंकि जिस तरह से ड्रोन स्ट्राइक किए जा रहे हैं, ऐसे में लगता ये है कि कहीं कोई भी एरोप्लेन उसकी चपेट में ना आ जाए या उस एरोप्लेन को उससे नुकसान ना हो जाए। इसे देखते हुए ज्यादातर एयरलाइंस ने फ्लाइट्स भी यहां से कैंसिल करना शुरू कर दिया है। तीसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से कहा है कि हिजबुल्ला के कारण लेबनन के लोगों का नुकसान हो रहा है और लेबनन की खुशहाली इसी में है कि वो हिजबुल्ला का साथ छोड़े, यानी यहाँ की बाकी कम्युनिटी जो कि शिया भी हैं, शिया के साथ साथ सुन्नी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और द्रूज कम्युनिटी भी है, बाकी कम्युनिटीज़ को जो शिया के अलावा हैं उनको हिजबुल्ला का साथ छोड़ने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है इसराइल। और यही उसकी रणनीति है कि जब शरणार्थी बढ़ेंगे और हिजबुल्ला के खिलाफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने देश में खड़े होने लगेंगे तो हिजबुल्ला पर डबल दबाव आएगा। दूसरी तरफ साउथ लेबनन में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, वहां से हाइफा पोर्ट पर आप कह रहे हैं कि फिर से एक रशियन मिसाइल दागी गई है, दो दिन पहले भी दागी गई थी, लेकिन इसका जवाब जब आएगा तो फिर कई गांव के गांव खाली होंगे, कई इलाके खाली होंगे। और अब भी अगर आप बेरूत की सड़कों पर आकर देख ले तो शरणार्थियों के टेंटों से भर गई हैं ये सड़कें, गाड़ियों में सो रहे हैं लोग। तो इस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसराइल लगातार साउथ लेबनन की तरफ चढ़ता आ रहा है और हिजबुल्ला के लिए ये एक पैनिक का टाइम है और उसको यह भी चिंता हो रही है कि चंद रोज बाद उसके लोग ही उसके खिलाफ ना खड़े हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि सीधे सीधे हिजबुल्ला को खत्म करने की दिशा में लेबनान में इस वक्त जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसराइल उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जगविंदर जी, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक सीधे युद्ध क्षेत्र से पहुंचाने के लिए। देखिए, इजरायली सेना ने लेबनान के टायर में जबरदस्त बमबारी की है और तबाह कर दिया है सब कुछ। हवाई हमलों से टायर शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब टूरिस्ट सेंटर वीरान पड़े हैं। एबीपी न्यूज के जाबाज और निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी मिल रही है कि लेबनन में अटैक करने के लिए दक्षिणी समुद्र के रास्ते से इसराइल इस जगह पर वॉरशिप्स के जरिए शेलिंग कर सकता है, उसकी एक वजह है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो हाइफा से आगे जब बेरूत की साइड हम आते हैं तो टायर वाली जगह पर अगर इसको कटअप कर देता है, अगर इसे कटअप कर देता है
इसराइल, तो मान लीजिए कि ये पूरा इलाका कट जाएगा और वो जहां ग्राउंड रेड्स कर रहा है इस वक्त दक्षिणी लेबनान में, उस इलाके से सीधा प्रवेश कर जाएगा टायर में, और टायर के कटअप होने से ये जो पीछे का इलाका होगा यानी हाइफा पोर्ट से लेकर यहां टायर तक का इलाका जो है उसको कब्जा करने में बहुत आसानी होगी इसराइल को। इसीलिए यहाँ पर बम्बारमेंट हो रही है और जो पूरा इलाका यहाँ कभी टूरिस्ट का गढ़ होता था, इस कोस्ट लाइन को देखिए, चंद कदम की दूरी पर ये समुद्र की लहरें, आपको खूबसूरत लहरें दिखाई दे रही हैं, मगर देखिए यहाँ दूर दराज तक लोकल इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है और सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं। इसराइल के साथ युद्ध के चलते लेबनन के लिए यही सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते अमेरिका और इसराइल के सैनिक, मरीन और समुद्री बेड़े इस पूरे साउथ लेबनन के इलाके को काट सकते हैं। यहाँ एबीपी न्यूज़ है, लेकिन लोकल्स यहाँ से जा चुके हैं, हम पल पल की जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। कैमरामैन अजी चाको के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, टायर, साउथ लेबनन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।